गाइस वेलकम बैक टू राइटर बॉय सलूम। मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र और आज मैं आपको चल रहा हूं दिल्ली के रोहिणी में, जहां पर आज मैं आपको दिखाऊंगा दशहरा महोत्सव। तो भाई आज दिखाने वाले रावण कैसे जलता है और लाइव आपको रावण के दर्शन कराने वाला हूं मैं, क्योंकि भाई रावण बहुत बड़ा विद्वानी था और कहते हैं कि भाई बुराई पर अच्छाई की जीत। तो आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूं कैसे थी बुराई पर अच्छाई की जीत। तो चलते हैं, आइए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। मेला देखने अभी क्या है कि मैं पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आपको बता दूँ भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो पीछे पार्किंग देख लो, ये गाड़ियाँ देख लो, बाइक लगी हुई है पीछे और इसके चारों तरफ आप देखो दिखाऊंगा आपको, पब्लिक आई रही है और पीछे बहुत सारे रावण लगे हुए हैं। तो भाई यहाँ पे क्या है कि चार पाँच रामलीला हो रही है, तो रावण बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे, हर रामलीला के अलग अलग रावण लगे, तो आपको सारे रावण दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ है रावण यहाँ पर। तो आइए चलते हैं और देखते हैं भाई क्या क्या है और जो जो छोटी छोटी चीज़ होगी वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। शेरा भाई तो अभी आपसे मिली थोड़ी बात, तो वही मैंने कहा दिखाता हूँ आपको। तो अभी आपको मैंने दो रावण दिखाए, दोनों रावण अलग अलग रावण लगे हैं, तो दो हमने तो कवर कर पाई है। तो अब भाई रावण दहन होगा, अब आगे आपको वो दिखाएंगे और जो क्या क्या चीज़ें गाइस देखते रहिए, क्योंकि भाई बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे चलते और दिखाते और क्या क्या है यहाँ पर आपके लिए। चलिए Oh!
कैसी लगी आपको वीडियो यार? क्या हुआ कि मैं वहां पर वीडियो का एंड नहीं कर पाया, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई दशहरे के मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहां से निकलना तक बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं वहां पर वीडियो का एंड नहीं कर पाया। तो मैंने कहा दी एंड आके अपने घर करेंगे। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से बनी है ये वीडियो। आपको पता नहीं होगा कि भाई कि शाम को 7 बजे हम पहुंच गए थे वहाँ, 6:30 बजे लगभग पहुंच गए थे, और रात को 9:30 बजे हमें रावण जलता हुआ देखने के लिए मिला है। ऐसा लगा था कि शायद हम बिना जले ही देखे यहाँ से लौटना पड़े, लेकिन भाई फाइनली ये देखा। तो भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनी है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। और आपके लिए मैं ऐसे प्यारे प्यारे ब्लॉग लाता रहूँगा, तो मिलते रहेंगे हम आपसे, और अपने भाई का हौसला बढ़ाते रहो यार। बाकी मिलता है एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।